कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। राइस्टार कैमरा हैंग मोमेंट ट्रिक। आप लोगों के बहुत ही ज्यादा कमेंट करने के बाद फाइनली आप लोगों के लिए राइस्टार कैमरा हैंग मोमेंट ट्रिक लाया हूं। क्योंकि यार आप लोग इतना ज्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई यार कैमरा हैंग मोमेंट ट्रिक लाओ, भाई यार कैमरा हैंग मोमेंट ट्रिक लाओ। एंड यही सेम चीज आप लोगों को मोमेंट एंड कैमरा हैंग ट्रिक आप लोग राइस्टार की वीडियो में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है, एंड या फिर उसके गेम प्ले में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब जो उसका हैंग मोमेंट होता है वो बंदा कहीं मारता और दिखाई कहीं और देता है, मतलब एक अलग ही लेवल से उसका गेम प्ले दिखाई देता है। एंड हाँ गाइस यार, अगर तुम लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख लेते हो तो लिटरली बता रहा हूँ गाइस यार, आप लोगों को कोई भी बंदा अगर ऑब्जर्व भी करता है उस बंदे का गेम प्ले में आप लोगों का हैंग मोमेंट इतना ज्यादा दिखाई देगा जैसे कि आप लोगों को लगेगा उसका फोन हैंग कर रहा है, एंड उसको लगेगा कि मेरा फोन हैंग कर रहा है, लाइक हैकर जैसा आप लोगों का गेम प्ले दिखाई देता है। सो यस गाइस यार, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी एडवांस लेवल के हैंग मोमेंट ट्रिक है एंड न्यू ट्रिक को सारी इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। सो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एंड जो भी भाई चैनल पे नए हो प्लीज यार उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अभी के टाइम पे यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वो भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं यार अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। अब इस वीडियो के अंदर मैं पूरे आप लोगों को 6 या 7 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग बिना स्किप किए हुए देखते हो आप लोग एकदम 100% की गाइस यार आप लोग कैमरा हैंग मोमेंट ट्रिक सीख जाओगे। आप लोगों को बिना कोई भी प्रॉब्लम के इजीली तरीके से कैमरा हैंग मोमेंट आप लोगों का दिखाई देगा। अब अगर तुम लोगों को कैमरा हैंग मोमेंट एंड यार मोमेंट करना है तो आप लोगों को ये बेसिक सेटिंग बहुत ही ज्यादा फॉलो करना जरूरी है। जो बंदे मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उनको ये बेसिक सेटिंग के बारे में जरूर मालूम होगा, बट गाइस यार अभी भी बहुत सारे बंदे जो अपने चैनल पे नए आ रहे हैं उनके लिए ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आप लोगों को गॉड लेवल का मूवमेंट एंड कैमरा हैंग मूवमेंट करना है तो फ्री फायर की जो सेंसिटिविटी होती है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लोगों की सेंसिटिविटी अगर हाई नहीं होती है तो आप लोग मूवमेंट करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो कभी भी गाइस अगर आप लोगों का लो डिवाइस है फिर हाई डिवाइस है तभी भी आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को हमेशा 100 पे ही रखना है, जिससे आप लोगों का कैमरा हैंग मूवमेंट एंड आप लोगों का फास्टली तरीके से मूवमेंट होगा। सो यस, अपनी सेंसिटिविटी को हमेशा 100 पे ही रखना। यहाँ पे दूसरा जो आता है बंडल। अगर तुम लोग ने राइस्टार भाई का वीडियो देखा होगा तो उस बंदे का जिस वीडियो के अंदर हैंग मूवमेंट उसका सबसे ज्यादा दिखाई देता है एंड उसका गेम प्ले जो डेंजरस लेवल का होता है उस वीडियो के अंदर, उस बंदे का बंडल जो होता है उसका बंडल बहुत ही ज्यादा कम एनिमेशन वाला होता है, यानी कि गाइस यार एक नॉर्मल सा बंडल होता है, फिर कोई भारी बंडल यानी कि कोई लूज बंडल नहीं होता है, जिससे आप लोगों का जो पूरा कैरेक्टर है बहुत ही ज्यादा मोटा दिखाई देता है। लाइक अगर तुम लोग मेरी भी वीडियो के अंदर देखोगे तो मैं यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल कपड़ा पहना हूँ जिससे कम एनिमेशन दिखाई देता है, एंड मेरा जो बंडल है पूरी तरीके से मेरे कैरेक्टर को चपका हुआ है जिससे और भी इजीली तरीके से आप लोगों को गॉड लेवल हैंग मूवमेंट दिखाई देता है। एंड यही सेम चीज आप लोग कभी भी राइस्टार की वीडियो में भी देखोगे तो वो बंदा कभी भी ज्यादा एनिमेशन वाले बंडल नहीं पहनता है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं भाई बंडल से कुछ नहीं होता, बट लिटरली बता रहा हूँ सर, अगर जब भी तुम लोग एक नॉर्मल बंडल पहनोगे तो आप लोग सामने वाले बंदे का आप लोगों को मूवमेंट अगर देखने के लिए मिलता है बहुत ही ज्यादा गॉड लेवल का आप लोगों को दिखाई देगा। तो कभी भी गाइस यार आप लोगों को ज्यादा एनिमेशन वाला एंड ज्यादा लूज बंडल नहीं पहनना है। नंबर थर्ड आता है, अब ये चीज आप लोगों की फिंगर स्पीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि जितना ज्यादा आप लोगों का फास्ट फिंगर स्पीड होगा उतना ज्यादा आप लोगों का हैंग मूवमेंट दिखाई देगा, एंड आप लोगों को कभी भी अपने गेम के अंदर एक जगह पे नहीं रुकना है। अब यहाँ पर अगर तुम लोग मेरी वीडियो देखोगे तो इस जगह पे बहुत ही ज्यादा लैग मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एंड आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इतना ज्यादा लैग मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि जिससे आप लोगों का गेम प्ले और भी ज्यादा गॉड लेवल का दिखाई देगा। अब यहाँ पर इस जगह पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस यार मैं बिना रुके हुए मूवमेंट कर रहा हूँ, यानी कि गाइस यार मैं कहीं भी नहीं रुक रहा हूँ जिससे मेरा गेम प्ले और भी ज्यादा हैंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एंड यही सेम चीज आप लोगों को हमेशा राइस्टार की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो कभी भी गाइस यार आप लोगों को हमेशा एक जगह पे नहीं रुकना है, आप लोगों को कुछ ना कुछ मूवमेंट हमेशा करते रहना है जिससे सामने वाले ऑब्जर्व करने वाले बंदे को और भी ज्यादा लाइक मूवमेंट आप लोगों को करते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर चौथा आता है, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी वीडियो में देखोगे तो यहाँ पर कुछ मेरा बहुत ही ज्यादा हैंग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे हो रहा है एंड क्यों हो रहा है, अब यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर जो है ऑब्जर्व के अंदर से देखोगे यहाँ पर मेरा कैरेक्टर एक ही जगह पे मूव कर रहा है। अब ये चीज आप लोग कैसे अपने गेम के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, अब ये चीज आप लोगों को परफॉर्म करने के लिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों को कभी भी अपने कैरेक्टर को थोड़ा राउंड सर्कल में लेफ्ट या राइट की तरफ हमेशा मूव करना है, एंड आप लोग जैसे ही मूव करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बट सामने ऑब्जर्व करने वाले बंदे को आप लोगों को कुछ इस तरीके से राउंड सर्कल में घूमते हुए दिखाई देगा जिससे आप लोगों को और भी ज्यादा डेंजरस लेवल का हैंग मूवमेंट दिखाई देता है। सो यस, ये ट्रिक आप लोग अपने गेम के अंदर जरूर फॉलो करना, इससे आपका गेम प्ले सामने वाले बंदे को बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल का दिखाई देगा। अब पांचवा यहाँ पर आता है, सबसे मेन मूवमेंट का पार्ट जो कि आप लोगों का इसी की वजह से सबसे ज्यादा हैंग मूवमेंट दिखाई देता है, एंड लगभग 60% तक आप लोगों का हैंग मूवमेंट इससे ही दिखाई देता है, एंड वो है ऑब्जर्व करने वाले बंदे। अगर आप लोगों के गेम प्ले में 2 या 3 बंदे अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो आप लोगों का गेम प्ले इतना ज्यादा हैंग मूवमेंट दिखाई देगा, एंड जितना ज्यादा आप लोग अपने फिंगर को स्पीड में रन करोगे
उतना ही डेंजरस लेवल का ऑब्जर्व करने वाले आप लोगों के बंदे को आप लोगों का हैंग मूवमेंट दिखाई देगा। एंड यही सेम चीज आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ पर मुझे दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जिससे मेरा हैंग मूवमेंट और भी ज्यादा गॉड लेवल का दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। आप लोग अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व में डाल के आप लोग उनसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हो जिससे आप लोगों का भी हैंग मूवमेंट गॉड लेवल का दिखाई देगा। एंड ये चीज बहुत ही ज्यादा वर्क करता है अपने गेम के अंदर। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को इसके टॉपिक के ऊपर हैंड गेम भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।